नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा बनने वाला कार का जो अंदर का डैशबोर्ड है उसका वाइब्रेट पर वीडियो बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम चेक करते हैं। अगर आज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारी जो कार का डैशबोर्ड है उसका कितना ज़्यादा वाइब्रेट है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो डोर है उसको बंद करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का कुछ ऐसा इंटीरियर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसे हम रखे हैं और जल्द से जल्द इसको मॉडिफिकेशन करूँगा। और मैं इसमें जा रहा हूँ अपने घर से 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर, जो आप लोग गोरखपुर जानते होंगे। तो गोरखपुर में जा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा मुझको काम है गोरखपुर में, कार का मॉडिफिकेशन संबंधित कुछ सामान खरीदना है और कुछ वीडियो भी बनाना है। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब कार के रिलेटेड हमेशा हमारे पास वीडियो आएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि सेकेंड हैंड जो भी कार है उसको मतलब वीडियो डालने के लिए, क्योंकि सेकेंड हैंड कार का इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे नया कार आप लोग मतलब कितने लोग क्या करते हैं कि नया कार लेने का उतना पैसा नहीं रहता है तो सेकेंड हैंड कार खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कहां पर सेकेंड हैंड कार अच्छा डील में आपको मिल जाएगा। आप दूर से या कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको इजीली सेकेंड हैंड कार अच्छा डील में मिल जाएगा, मैं बताऊँगा आपको। और क्या चेक करके कार में लेना चाहिए, मान लीजिए बाय द वे टाटा एग्जाम्पल में टाटा इंडिका ही ले लीजिए, तो इसमें अलग मतलब कुछ चेक करना पड़ता है। और मारुति सुजुकी जो लेंगे पेट्रोल वर्जन की जो कार है उसको अलग चेक करना पड़ता है। हर कार में अलग अलग कुछ ना कुछ चेक करना पड़ता है। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कोई भी कार खरीदने से पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है। जैसे बाय द वे आप टाटा इंडिका खरीद रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग चेक कर लीजिए कि कार जो है ठीक से स्टार्ट हो रही है ना, दो से तीन बार स्टार्ट कर देख लीजिए, गर्म तो नहीं हो रही है इसको देख लीजिए। एक दो किलोमीटर चलाकर देख सकते हैं गर्म का प्रॉब्लम उसमें, जल्द दो किलोमीटर जैसे चलाएंगे वैसे आपको मालूम चल जाएगा कि कार गर्म हो रहा है या नहीं। तो ये सब चेक कर लीजिएगा। और जो पानी है उबाल मारता है ना, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा कि पानी आपका उबाल नहीं मारता हो, क्योंकि अगर उबाल मार रहा है तो समझिए गैस्केट का प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चेक करते हैं कार का जो डैशबोर्ड है कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो डैशबोर्ड भी चेक करेंगे और अपना जो गियर लीवर है आप देख सकते हैं इसको भी हम चेक करेंगे कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारा कार में क्या प्रॉब्लम होता है कि अंदर से वाइब्रेट ज़्यादा होता है। तो अगर वाइब्रेट आपकी कार कर रही है तो मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होता है कि आपकी कार वाइब्रेट करता है और कैसे इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक गिलास का मदद लेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर गिलास ला चुके हैं जिसमें है वाटर। आप देख सकते हैं पूरा भर के नहीं रखे हैं, हल्का सा खाली है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको रखते हैं डैशबोर्ड पर, ऐसे ऐसे रखते हैं और उसके बाद हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा हमारी कार में वाइब्रेशन है। तो कार को करते हैं स्टार्ट, पहले अपना चाबी लेते हैं और इसके बाद हम कार को करते हैं स्टार्ट। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कार के रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, कार में इग्निशन में लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है और हम करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं पानी एकदम शांत है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कार को स्टार्ट कर चुके हैं, फिर भी जो मेरा पानी है ये कंपन आप देख सकते हैं कितना कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। डीजल वर्जन में कार में इतना कंपन रहना चाहिए क्योंकि हल्का वाइब्रेशन रहता है कार में।
और इसमें के जो न्यू कार आ रही है डीजल में उसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं रहता है, आवाज़ भी नहीं रहता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल रहता ना तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता। अल्टो या वैगन आर, स्विफ्ट या टाटा इंडिका ही ले लीजिए, पेट्रोल वर्जन में रहता है तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करता है। तो देखिए ये अगर वाइब्रेशन मतलब इसको सही करना है ना तो ये कहाँ से सही होगा, देखिए क्या होता है, कितने कार में क्या होता है चेचिस जो होता है ना अंदर की तरफ, चेचिस जो होता है जो नीचे की तरफ ये मेड देखे है ना, इस मेड से नीचे चेचिस रहता है, उस चेचिस में झरने को जैसे जैसे जंक लग जाता है तो वो झर जाता है ना, तो झर जाता है या टूट जाता है तो उससे क्या होती है अपनी जो कार होती है ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, इसमें वो एक दूसरे में लड़ता है, लड़ने की वजह से कंपन पैदा जो होता है ना उसी को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे हैं तो आप उसको थोड़ा डेंटिंग करवा देंगे तो वो सही हो जाएगा, उसमें ज़्यादा आपका दिक्कत वाला बात नहीं है, उससे मजबूती भी हो जाएगा अगर उसे मतलब ठीक ठाक करा देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा मजबूती भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और जैसे मैं रेस लूँगा उसे देखिएगा बंद हो जाएगा, देख रहे ना, जैसे मैं रेस ले रहा हूँ बंद हो जा रहा है। तो अगर चेचिस नहीं टूटा है फिर भी आपका वाइब्रेशन कर रहा है ना, तो कार का जो इंजन होता है ना, जो मैं एक वीडियो बनाया था आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे, तो आई बटन में मैं डाल दूंगा उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा उसको आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं बताया था कि कार का जब वाइब्रेशन है उसको कैसे सही करते हैं, तो वो जो नट था ना उससे ढीला करके हम लोग सही कर रहे थे, तो उसको अगर सही करेगा करना अंदर भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको सही कर लीजिएगा, वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा। देखिए मैं जैसे रेस ले रहा हूँ, देखिए ना, देखिए इतना ज़्यादा हिल रहा है ना, मैं जैसे रेस ले रहा हूँ तो देखिए देखिए बंद हो जा रहा है ना, जैसे मैं रेस ले रहा हूँ उसे बंद हो जा रहा है, और अंदर भी आप गैर वाइब्रेट नहीं कर रहा है। देखिए मैं रेस लेना छोड़ दिया हूँ फिर भी देखिए हल्का हल्का हिल रहा है, देख रहे हैं ना, कैमरा थोड़ा हिल रहा है लेकिन देखिए हल्का हल्का हिल रहा है, तो ऐसे भी ठीक है, देख सकते हैं हल्का हल्का हिल रहा है, और जो वाटर है वो भी देखिए आप हल्का हल्का हिल रहा है आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं रेस लेता हूँ ये वाटर हिलना बंद हो जाता है, तो अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो आप चेचिस चेक कराइए, चेचिस से फॉल्ट होता है टूटने की वजह से, तो एक दूसरे में जब टक्कर होता है तो वही वाइब्रेट ज़्यादा करता है हमारी कार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।